मोटोरोला वन पावर। ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में अभी अभी आज लॉन्च हुआ है और इसका मतलब बाहर नाम है वो है P30 Note। और ये स्मार्टफोन बाहर की प्राइसिंग है अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्रॉक्स आपको मिलना चाहिए था 28,000 के आसपास, यानी मतलब 30,000 मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर लगभग आधी प्राइसिंग पर ये आपको यहाँ इंडिया में लॉन्च किया है मोटोरोला ने। और मोटो के G5 और G5S Plus के बाद ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नाम बटोरने वाला है और डेफिनेटली बटोरना भी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन जिस प्राइसिंग पर ये मोटोरोला बहुत टाइम बाद लेकर आया है इंडिया में वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है इस फ़ोन में जो आपको मिलती हैं, यानी टॉप रीजन जिनकी वजह से आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए। और ये जो फ़ोन है वो आपको 5th October से सेल में मिलेगा और इसके प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं इस फ़ोन को इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो और जानना चाहते हैं कि P30 Note या फिर जो आप कहें मोटोरोला वन पावर में आपको क्या खास देखने को मिलता है जिनकी वजह से ये फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले पॉइंट से, तो यहाँ पर इसकी स्क्रीन। अब देखिए ये जो फ़ोन है वो प्राइस रेंज जो है उसकी वो है 16,000 रुपये। अब 16,000 से मतलब आप मान लीजिए 13, 14, 15, 16 इसके आसपास अगर कोई फ़ोन आप देखेंगे तो नॉच वाले फ़ोन आपको कोई गिने चुने मिलते हैं, जैसे कि नोकिया का 6.1 Plus, 5.1 Plus और लिनोवो का Z5। हालांकि इनमें से Z5 और 5.1 Plus अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो आप उन्हें यहाँ खरीद नहीं सकते, लेकिन अपना मोटोरोला वन पावर है वो और नोकिया के 6.1 Plus, ये स्मार्टफोन्स जो है नॉच वाली डिस्प्ले के साथ आपको यहाँ देखने को मिलता है जिनका रेजोल्यूशन फुल HD का है। 6.2 इंचेस की डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगी और इसके ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है। हालांकि कंपनी ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये जो प्रोटेक्शन है वो कौन से वर्जन वाली गोरिल्ला ग्लास की है, बट यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है तो ऑब्वियसली आपको वियर एंड टियर से थोड़ा बहुत तो बचाएगी और इस प्राइस रेंज में आपको अच्छी डिस्प्ले ये प्रोवाइड करा रहा है। बाकी लुक्स की बात करें तो ये फ़ोन अगर आपने Redmi Note 6 Pro की कहीं वीडियो देखी हो और उसका बैक पैनल आपकी या कभी आपने देखा हो फुल मेटल वाला और जो प्लास्टिक वाला एरिया होता है टॉप और बॉटम में, बिल्कुल वही उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर Note 6 Pro में आपको जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और P30 Note या वन पावर मोटोरोला का इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। और 6.1 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको जो है ग्लास फिनिश या ग्लास बैक देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जो मेटल वाली बैक होती है उसकी अलग ही बात होती है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा संभाल के उस फोन को नहीं रखना पड़ता और जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ मेटल वाली बैक को। अगले फीचर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ऑब्वियसली आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपको पसंद ही आ रही होगी, तो डेफिनेटली लाइक वाले बटन को दबा दीजिए, आपको यार बताना पड़ता है लाइक करने के लिए। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, बराबर का बेल आइकन मिलेगा उसे भी दबा दीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगले जो पॉइंट है जिसकी वजह से आपको ये फ़ोन खरीदने चाहिए वो है इस फोन की परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छा प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर विद एड्रीनो 509 GPU देखने को मिलता है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ़ोन आपको 636 के साथ कैसी परफॉर्मेंस देगा, ऑब्वियसली यू गाइस ऑलरेडी नो कि यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 636 है वो कैसी परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि क्रायो वाले आपको बेस कोर्स देखने को मिलते हैं जो कि मतलब फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन्स में पहले देखने को मिलते थे कुछ पुराने, तो यहाँ पर लगभग फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस यहाँ आपको देता है। एड्रीनो 509 GPU जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो मैं रेडमी नोट 5 प्रो में चेक कर चुका हूँ इस प्रोसेसर की, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर्ब है और यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में आपको मोटोरोला वन पावर बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वहीं जो रैम रोम वेरिएंट है वो इस फोन के सिर्फ सिंगल है जो कि है 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। और ऑब्वियसली यार 3 GB रैम का फ़ोन आपको 16,000 में जचता भी नहीं और 6 GB रैम का वेरिएंट आपको क्यों खरीदना, मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि 6 GB रैम वाले वेरिएंट मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करते हैं खरीदना, 4 GB रैम आपके लिए सफिशियंट होती है। अगला जो अच्छा इसका पॉइंट है वो है इस फोन की बैटरी। अब यहाँ पर इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी देखने को मिलती है वो है 5000 mAh की। यहाँ पर ASUS का Zenfone Max Pro M1 है जो कि आपको एक अच्छी बैटरी प्रोवाइड कराता है, हालांकि वहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और बंडल फास्ट चार्ज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये जो आपको मोटोरोला का वन पावर स्मार्टफोन है उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ टर्बो चार्ज का फीचर देखने को मिलता है। ना सिर्फ फीचर देखने को मिलता है, आपको फ़ोन के साथ ही यहाँ पर फास्ट चार्जिंग एडाप्टर भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगला पॉइंट जो हम बात करें तो यहाँ पर इस फोन की कनेक्टिविटी की वो ये है कि इस फोन में आपको 16,000 रुपये में USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जो कि इतने सस्ते में काफ़ी मतलब बहुत ही कम स्मार्टफोन्स है जो कि आपको प्रोवाइड कराते हैं। आई गेस बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में यहाँ पर लिनोवो का Z5 ही और जो इस रेंज में आपको USB सी पोर्ट प्रोवाइड कराता है, एज वेल एज आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी इसके साथ देखने को मिलेगा। USB सी का मतलब ये नहीं है आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक इसमें देखने को ना मिले, वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। और जो सिम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन्स ये करते हैं कि आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देते हैं, यानी आप जो है या तो दो सिम कार्ड लगा ली या फिर एक सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड लगाइए,
लेकिन यहाँ पर जो है मोटरोला का वन पावर वो आपको पूरी फैसिलिटी देता है यहाँ पर तीनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली यूज़ करने की, यानी कि आपको यहाँ पर डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें आपको दो मेमोरी कार्ड जिसमें आप दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड तीनों को साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है या नहीं भी लग सकता है, लेकिन पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ, वो है इस फोन में स्टॉक एंड्रॉयड। अब स्टॉक एंड्रॉयड का फ़ैन मैं पर्सनली हूँ, हो सकता है आप ना हो, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड जैसा स्मूथ परफॉर्मेंस और क्लीन लुक आपको कोई भी कस्टम यूआई नहीं दे सकता। इवन मी यूआई मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है ओवर स्टॉक एंड्रॉयड, मुझे मी यूआई कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड की बात अलग होती है। और ना सिर्फ स्टॉक एंड्रॉयड, इसमें आपको एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, यानी आपको लगभग 2 साल तक, मिनिमम 2 साल तक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपको गूगल की तरफ से सिक्योरिटी अपडेट्स और आने वाले सारे एंड्रॉयड वर्जन के अपग्रेड आपको इसमें देखने को मिलते रहेंगे। फ़ोन में कुछ एडिशनल अच्छे फीचर्स भी हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो फ़ोन है वो आपको डस्ट और स्प्लैश प्रूफ मिलता है, कोई अलग तरीके की सर्टिफिकेशन P2 नाम की कोई सर्टिफिकेशन है वो जो कि आपको इसमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फ़ोन जो है आपको हल्की फुल्की पानी में डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ डस्ट प्रूफ भी है, यानी जो फ़ोन है वो डस्ट में भी नहीं अटेगा, धूल वूल नहीं जमेगी। और साथ ही साथ ये फ़ोन जो है वो आपको DRM कंटेंट को 720p पर स्ट्रीम करने की पूरी फैसिलिटी देता है। यहाँ Xiaomi के फ़ोन से आप मतलब बड़े मतलब महंगे महंगे स्मार्टफोन्स भी खरीद लिए Xiaomi के, लेकिन वहाँ जो है आप नेटफ्लिक्स में आपको 720p पे स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी नहीं दी जाती, यानी वो जो है वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन नहीं लेते हैं, DRM कंटेंट को 720p पे वो स्ट्रीम करने लायक उनके स्मार्टफोन्स नहीं होते क्योंकि वो सर्टिफिकेशन नहीं लेते हैं। और अगले फीचर की बात करें तो वो है इस फोन के कैमराज। अब यहाँ पर कैमराज में भी कोई कंजूसी नहीं की गई, आपको रियर में 16+5 megapixel का डुअल कैमरा सेटअप दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डुअल कैमरे में आपको सेकेंडरी कैमरा डेप्थ सेंसर का सिर्फ 2 megapixel का नाम के लिए दे दिया जाए, हालांकि काम वो भी ठीक ठाक करता है, लेकिन 5 megapixel का कैमरा आपको ज़्यादा अच्छी डिटेल्ड बुके इफेक्ट वाली फोटोज़ बैक वाले कैमरा से प्रोवाइड कराएगा। और फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का एक अच्छा कैमरा देखने को मिलता है जो कि अच्छी सेल्फीज़ आपको क्लिक करके देने वाला है। तो यहाँ पर ओवरऑल फ़ोन जो है वो आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देता है, जो कि Xiaomi के फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलता, यानी प्रोसेसर का पूरा यूटिलाइज़ करते हुए आपको 4K का सपोर्ट भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो यही थे स्मार्टफोन्स के फीचर्स जिसकी वजह से आपको ये फ़ोन खरीदना बन जाता है, मतलब मस्ट हो जाता है एक तरीके से। अगर आपको फ़ोन खरीदने की सोच रहे थे और आपके पास बजट था 15-16 हज़ार का, तो डेफिनेटली Redmi Note 5 Pro पहले मैं रिकमेंड करता, बट अब ये जो फ़ोन आया वो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि Redmi Note 5 Pro अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा मतलब देख लीजिए डिज़ाइन के मामले में, माइक्रो USB पोर्ट के मामले में, बैटरी के मामले में, इवन फास्ट चार्जिंग एडाप्टर ना देने के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है मोटोरोला के वन पावर से। तो डेफिनेटली अब ये चॉइस ज़्यादा बेटर है Redmi Note 5 Pro से, और Mi A2 को अगर आप खरीदना चाहें तो मेरे हिसाब से उसकी जगह ये फ़ोन खरीद तो ज़्यादा बेटर है। तो ये थे इस फोन के फीचर्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर मेरा कहीं मत जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।